मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love बात सुन मेरी छोड़ मेरा हाथ और खबरदार आज के बाद मुझे कॉल किया तो देख जुगनू सीधी तरह से पुप्पो को ठेले का किराया दे दे नहीं तो मैं आने लगा हूँ करांची मुझे तुम्हारा फोन करना बुरा नहीं लगता मंजुला तुम मुझे कॉल कर लिया करो हाँ तने बुरा ना लगे ना मारा फोन करना अच्छा लगे खैर ना कभी कॉल उठाई ना मैसेज का जवाब दिया और आज मैं खुद ऑफिस आ गई तुमसे मिलने तो तुम मुझे मिल भी नहीं रहे खान भाई सुनो हमारे पास पैसा नहीं है बाजी नहीं मैं पैसे नहीं मांग रही आपसे अब वो खान भाई मुझे जरा दो तलवार तक आप छोड़ दो ना अपनी साइकिल पर हेलो हाँ हुमायूं सईद का ड्राइवर बोल रहा हूँ हे सही सही बता कट्टो जो है ना अगली सीट पे बैठी है या पिछली सीट पे ये तो कुछ और भी पूछ रहा है वो फजीरों का चेयर उतर गया ना हम बुटीक कर रहा है हाँ क्या है नीलू बाजी तुम तो इंटरव्यू लेने बैठ गई हो मुझसे पूछो ना क्या पूछना है हे कट्टो फजीरों का चेन कैसे उतर गया चेन नहीं ये गेयर गेयर उतर गया गेयर फंस गया है वो सही कर रहा है यार तो मगर तुम है ना तुम जासूसी करना नहीं छोड़ना ए कट्टो अच्छा चल ये बता वहां और क्या क्या हो रहा है सब बताऊंगी तसल्ली रखो थोड़ी आ रही हूँ घर पर खुदा हाफिज मरवा ही दिया था तुमने तो आज मुझे हमने किसी को नहीं मरवाया हम टेररिस्ट नहीं है हम तो कचरा चुनता है बाजी महावरा है भाई महावरा कल के पैदल धो गया कि नहीं हुआ अच्छा बस बस ये हो गया हो गया आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ अस्सलाम वालेकुम मंजली की बात करवाने आई हो जी फूफो घर पे हैं ये बताओ तुम डाकिया क्यों बनी हुई हो हैं तुम्हें कितनी रकात का सवाब मिल रहा है फूफो की मंजले से बात करवा के तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम अरे तुम्हारी वजह से हमारे घर में बिना वजह का फसाद खड़ा हो गया है ए आई बोरी आई है आजा बेटा अंदर आजा ए तारा हवा दारा तूने रोका इसको अस्सलाम वालेकुम फूफो वालेकुम सलाम जीती रहो बेटा जीती रहो ए मेरी महीने से बात करा दे जी जी मैं इसीलिए आई हूँ बेल जा रही है ये लीजिए हाँ हेलो मैं तुमने फूफो से पूछा मैं फूफो ही बोल रही हूँ कैसा है तू मैं ठीक हूँ तू सुना कैसी है लौट रही हूँ तेरे जा छलनी कर दिया का बख्ती मारो ने अब तू आ जा बस तुझे अल्लाह का वास्ता मंजले तू आ जा ये तो गिद की तरह तीनों मेरी जिंदा लाश खावे ये बस कर फूफो नहीं तो मेरे को ताव आ जाऊगा और यही तो चाहती हूँ मैं कि तुझे गुस्सा आए और तू कुछ करे मैं तू फोन बंद कर अभी कुछ ना कुछ करता हूँ चल ठीक है बस जल्दी आ जा तू हाँ बस बस भाई इधर ही रुक ये लें पकड़ी ओके खुदा हाफिज अच्छा नीलो बाजी बहुत टाइम हो गया मैं चलता ठीक अरे बाजी वो देखो
कट्टो पैदल आ रही है। अरे हाँ, तो पिजारो कहाँ गई? अभी आ जाए ना तो पूछते हैं। इसके पिजारो कब पे बस? पता नहीं। हे कट्टो, तेरी पिजारो कहाँ है? इंतजार में खड़ी थी क्या मेरे? हाँ नहीं तो, तू तो हुमायूं सईद से मिलने के लिए गई थी ना, घूमने शूमने उसके साथ, तो वही तुझे छोड़ने वाला था, वो भी पिजारों में। पिजारों नजर नहीं आ रही, कहाँ रह गई? नुक्कड़ पे उतरी थी कलीम भाई के डर से। कलीम भाई के डर से? मगर वो क्यों? क्या है ना, हुमायूं सईद जी कह रहे थे कि मेरी गाड़ी देख ली ना कलीम भाई ने, तो उसी में बैठ जाएंगे ऑफिस तक, तो इसीलिए मैं वही उतरी। अच्छा छोड़, ये बता वहाँ क्या क्या हुआ? हुमायूं मिला? लो, तो और किससे मिलने गई थी मैं? बड़ी लंबी बातें हुई, तफसील से बताती हूँ, अंदर आ जाओ। अच्छा बात सुन कट्टो, मैं जरा ताला लगा कर आती हूँ, जब तक मैं ना आऊँ ना तो बात स्टार्ट ना करियो। अरे तुम आ जाओ, दोबारा दोहरा दूंगी। आ रही हूँ। वाकई में हुमायूं मिला? तो और नहीं तो क्या, हुई तो बुलाया था मुझे उन्होंने। चल आ जा अंदर। हाँ इमरान भाई, बोलो खैरियत? ना छल्ले में गया इमरान भाई, तुम्हारे को ये बता कि मारी इजाजत के बगैर मारी चीज तूने जुगनू को क्यों दी? अरे इमरान भाई, ऐसी भी क्या नफसा नफसी, यूं भी तो ठेला खड़े खड़े घुन खा रिया था ना, मैं क्या हो गया अगर जुगनू ले गया फन्नू आपा की बीमारी की वजह से? अरे एक तो मैं अपनी चीज के लिए पूछूं, उसमें नफसा नफसी कहाँ से आ गई, और दूसरा ये कि फुफ्फो को कोई बीमारी बीमारी नहीं है। अरे भाई मुझे तो ये बोलकर गया था कि फुफ्फो की तबीयत बहुत खराब है, उसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, वो अस्पताल में दाखिल है। मेरा पैसा पानी की तरह बह रही है भाई, थोड़ी देर के लिए ठेला उधार दे दो, मैं इस पे माल डालकर कुछ कारोबार करूंगा, जो पैसा आएगा उससे फूफो का इलाज कराऊंगा। अरे थोबड़ा है उसका इलाज करवाने वाला, माल डाल के उसने बच्चा जरूर खड़ा किया है, पर उससे जो भी आमदन आवे उससे अपनी जोरों को बूंदे बना के दिए, फूफो को कोई इलाज नहीं किया उसने। हैं? अबे ये क्या कह रही है तू? अरे सच कह रही हूँ तुझे, फूफो चंगी बड़ी है, ये तो जुगनू का अरमान है कि फूफो को खून की उल्टियाँ लगे। तौबा तौबा, इतना बड़ा झूठ। अरे इलाज क्या करवाएगा वो, फुफ्फो को एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता वो। तो देख इसको कहते हैं नफसा नफसी, तू फिकर ना कर, मैं बच्चा बेचकर अभी ठेला वापस बुलवा लेता हूँ। अरे रहने दे गयास भाई, इब के मैं खुद ही निपट लूंगा। ठीक है भाई, क्या जमाना आ गया यार, तौबा तौबा, धोखेबाजी की इंतहा नहीं रही। ए फुफ्फो, तूने जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले, एक पैसा नहीं दूंगा तुझे मैं। अरे क्यों नहीं देगा तू मुझे पैसा? है? तेरे अब्बे का है वो ठेला क्या? जोरों को तो तू बना के दे बुंदे और फूफी को ठेंगा। ना तो तुम्हें किस बात के पैसे दे, ठेले में इन्वेस्टमेंट की इन्होंने, बच्चे को तनख्वाह दी है, तुम्हें किस बात का पता दे? इसलिए कि जिसका ठेला है ना उसकी पप्पा हूँ मैं। अरे फूफी तो मैं तुम नाम मरादों की भी हूँ। ऐसी होती है फूफो, ऐसे हो गए भतीजे। ए फूफो कुछ भी हो, अगर पैसा मैं लगाऊंगा तो कमाऊंगा भी मैं, अगर तुझे हिस्सा चाहिए ना तो आधी बराबर की इन्वेस्टमेंट कर मेरे साथ, कर। मेरे घरे पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे कौन से लगे सके बैठे हुए? तो फिर चुप करके बैठ जा, चुप करके। आने दे मेरे मंजिले को, कोई पूछेगा तुझे, अल्लाह मंजिले को भेज दे, मेरे मंजिले को ले आ। ना तो जब मंजिला यहाँ था तब तो उसमें बड़े कीड़े लगे हुए थे। नहीं तो मंजिला आ भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा मेरा? आ रही हूँ आ रही हूँ। तेरे दांत तोड़ेगा, तेरी टांगे तोड़ेगा, तेरी जुबान खींचेगा। हाँ। अगर उस देहाती में इतना दमखम होता ना तो मुंह छुपा के ऐसे निकलता वो। मंजले तुम? अरे भूत नहीं हूँ, मंजला ही हूँ, हट आगे से। हाँ रो रो ड्रामे के मेरा मंजला आ जाएगा। हमारे को देख के सांप क्यों सूंघ गया सबको? अरे ओ बैठ जा आराम से, आ गया हूँ। देख मेरा मंजिला आ गया। अरे ये कहाँ से आ गया? चल अच्छा हुआ तू भी आ गया।
अरे फुफो तू आराम से बैठ, तुझसे मैं बाद में हाल चाल पूछूंगा। पहले मुझे इससे पूछ लेने दे, क्यों रे सुसरे, थारी हिम्मत कैसे हुई मारे ठेले को हाथ लगाने की? अरे थारे बाप का था क्या? देख रहा तू उसको, देख रहा फुटपाथ पर सोकर भी इसके बल नहीं गए। ये तारा देख जरा, तमीज नाम की चीज ना हो इसमें। हाँ हाँ, तूने तो जैसे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट किया तमीज में। मैं तुझसे ये पूछूं कि बस 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 बस, तूने जो पूछना था ना पूछ लिया। चढ़ाने वाले ने तुझे घी तेल की सुनाकर चढ़ा दिया मेरे पीछे, और तू आस्ती में चढ़ाकर आ गया मेरे पीछे। और पहले वजह तो सुन। अच्छा चल, तू वजह सुना, मैं भी तो सुनूं। देख मंजले, तू मेरा भाई है ना, वो ग्यास भाई का फोन आया था मुझे, बोलने लगे कि ठेले को दीमक लग रहा है। हाँ अरे तो लगने देता दीमक, कल सर जाने देता सारे को, सारी हिम्मत कैसे हुई? ओ हीरो, तू तो बड़ा समझदार बनता है, तूने बिना समझाया इसको। देख मंजले, मैं जा रहा हूँ एक जरूरी काम, तू जुगनू भाई से लड़ ले, मुझसे सेकंड शिफ्ट में लड़, ठीक है? चल शाबर, तू निकल यहाँ से। अब ये तो हुआ दफा, अब तू बता। अरे मैं उस क्यास भाई सुसरे से भी जाके मिलता हूँ जो उसने तुझसे बोला, और अगर उसने बोल भी दिया तो तूने मुझसे क्यों ना पूछा? ना तो इन्होंने ठेला ही तो इस्तेमाल किया है, कौन सी कयामत टूट पड़ी? चुप कर भाभी, तू बीच में ना बोल, मर्दा मर्दी बात हो रही है ना। हाँ तू बोलेगी ना तो मैं भी बोलूंगी फिर। हाँ आ, तू क्यों ना बोलेगी, तेरी तो आग लगाई हुई है, तू बोल सबसे ज्यादा। ए बुक्को, आती तो पूछते, ये ले, ये लो, दे लो बैच। चलो भाई शुरू कर लो इंटरव्यू, क्या पूछना है पूछो। तूने पीरी चाय? अब क्या बताऊं, हुमायूं मुझे ऐसे थोड़ी आने देते, उनकी ऑफिस से इतना खा के तो इतना पी कर आई हूँ कि नाक तलक भरी हुई हूँ, गुंजाइश ही नहीं। अच्छा ये बताना क्या क्या हुआ। तो जब मैं गई वहां पर तो रिसेप्शन पर मुझे रोक दिया। तो फालतू लोगों को थोड़ी कोई ऑफिस में आने देता। ओए नहीं, ओए हुमायूं ने ना उनसे फोन करके कहा हुआ था, खास हिदायत दी हुई थी कि जब फरजाना आए तो मुझे फोन करके बताना, मैं खास उसे लेने के लिए नीचे आऊंगा। तो वो आए तुझे लेने? हाँ बिल्कुल आया, बल्कि ना सिर्फ आया, मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि साथ में फूलों का बुका जो ले आया मेरे लिए। यार फूलों का बुका तो मैं वहीं भूल आई, खैर अब मुझे फूलों की क्या कमी। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, उन्हीं के साथ दो अफसर और भी आ गए। हाँ और वहां लगा मुझे हैरत का दूसरा झटका। रेड कार्पेट बिछाया होगा तेरे लिए। टेंस कर रही है ना, जेलस कहीं की, पता है मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों को। यकीन करना या ना करना ना तो हम पे छोड़ दे, तू बस अपनी बात बता, वो हैरत का दूसरा झटका क्या था? तो फिर ना हैरत का दूसरा झटका क्या था पता है, जब मैं अंदर ऑफिस में गई ना तो सारे अफसरान लाइन से खड़े हुए थे मेरा वेलकम करने के लिए। मैं तो बड़ी झिझक रही थी कसम खुदा की, मुझे डर लग गया कि कहीं कोई मुझसे अंग्रेजी में बात ना कर ले। सुन अनारकली, अब से ना तू और मैं अंग्रेजी में बात करेंगे। हाँ मैं बता रही हूँ, मुझे अपनी अंग्रेजी अच्छी करनी है। अंग्रेजी को मार गुल, तू ये बता कि आगे और क्या हुआ। फिर ना उन्होंने मेरा बड़े इज्जत और एहतराम से सबसे तारुफ करवाया, ये कहकर कि ये मेरी अगली फिल्म की हीरोइन है। लेकिन हुमायूं ऐसी बातें कर रहे थे कि बाकी लोग सब समझ रहे थे कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा क्या समझ रहे थे जरा बताना। भाई तो वो पता कैसे तारुफ करवा रहे थे, कह रहे थे कि इनका नाम है फरजाना मुस्तकीम, मगर है ये मेरी कट्टो। हुमायूं भी था। फिर हुमायूं मुझे ना अपने कमरे में लेकर गए, तो वहां पर ना चैनल के बड़े बड़े आदमी बैठे थे मेरे टेस्टिंग का वेट करते हुए। लेकिन फिर हुमायूं ने पता है क्या कहा, कहा कि कट्टो तो आ गई है लिहाजा हम टेस्टिंग कल पे रखेंगे। अब उन्हें जाने का तो कह नहीं सकते थे, तो हम वहीं पर बैठ गए और वो मुझसे बात करते गए करते गए करते गए, और वो बेचारे बोर होके वहीं से चल दिए। और यूं हालत दिल एक दूसरे को सुनाते सुनाते वहीं दो बज गए। फिर उसने तुझे ड्रॉप करवा दिया? कहां, भाई दो बज गए ना, लंच का टाइम हो गया, भूख नहीं लगेगी उन्हें, और मुझे भी लंच तो करवाना था। अच्छा तो फिर बर्गर मंगवाया? तो बिरयानी मंगवाई क्या? पीसी होटल लेके गए मुझे। हाँ? नहीं नहीं कट्टो,
नहीं भाई, सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। पीसी होटल लेकर गए, वहाँ पर एक शानदार सा लंच कराया, उसके बाद हम खा पी कर ऑफिस आ गए दोबारा से। फिर ऑफिस आ गए तो फिर क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने चाय का इंतजाम किया हुआ था, और वो पता है क्यों किया हुआ था? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बड़ा बास है ना, जो जो चैनल पर नहीं उनका नाम लिखा आता है, हुमायूं सईद के साथ ही जो पार्टनर है उनका, हाँ, तो उनसे मिलवाना जो था। ए, फिर क्या हुआ? भाई उन्होंने मुझे ऑनर दिया ना, फिर वो उनके कमरे में लेके गए मुझे, और वहाँ पर उनके कान में कह रहे थे, चुपके चुपके सब देखा मैंने। क्या कह रहे थे? कट्टो आपकी छोटी भाभी है। कट्टो, यहाँ पे तो छत भी नहीं है जो तेरी इन बातों से गिर जाए। और चाय भी तेरी तरफ फीकी है। अकड़ दो हराम चाय मेरी, मत करना यकीन, चल कुकड़ियां कहेंगी। सोनी, सोनी, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो सोनी? मैं ठीक सोनी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। पानी के साथ चाय भी बना दूँ? क्यों इतनी जल्दी? क्या मुझे उसके बाद निकलना है ना। कहाँ? आपको पता है कट्टू आज हुमायूं सईद के ऑफिस गई थी, और अनारकली तो पहले ही उसके घर चली गई है। मैं सिर्फ आपका वेट कर रही थी कि आप आए और मैं जाऊं। अच्छा एक काम करो, मुझे पानी का गिलास ला दो, चाय मैं खुद ही बना, तुम जाओ। कितनी अच्छी हो भूरी बाजी, मेरा बच्चा, और आज तो लग भी बड़ी प्यारी रही हो भाई। अच्छा हाँ, आज सब ऑफिस में भी तारीफ कर रहे थे। जल्दी से पानी पिला दो, मैं बहुत थक गई। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल किसी हूर की तरह मुकद्दस। जाओ जाओ, मैं अभी लेकर आई हूँ। मेरा बच्चा, अरे उठा ले यार, इसका फोन है भाई। भुट्टा कमबख्त मारा, मुंह में दांत नहीं पेट में आत नहीं, खराब कर दिया फोन कर करके। चला इश्क लड़ाने, मैं इतनी मासूम नहीं हूं कि इसकी बातों में आ जाऊं। खराब कर दिया, मैं तो उसको फोन ही नहीं उठाने वाली, जितनी बार फोन करेगा उतनी बार काटूंगी, किसी और को जाके बनाए बेवकूफ, मैं नहीं बनने वाली। फोन क्यों नहीं उठा रही? 6-7 दफा मैं इसको फोन कर चुका हूं, क्या मतलब ये बिजी नहीं है? वहां नखरे दिखा रही है, तो रोल दिलवाना ही पड़ेगा, वरना खामा खां हाथ से दोस्ती चली जाएगी। करता हूं ट्राई इसको मैं। कट्टो के पास जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि हुमायूं को फोन करे। मैं जब वो हुमायूं से बात कर रही होगी ना, तो मैं अपने फोन से उसके नंबर पे डायल करूँ, पता चल जाएगा क्यों हुमायूं से बात करती भी कि नहीं। हाँ, ये सही। या अल्लाह, कितना वसी है तेरा आसमान, कितनी अरीफ है तेरी जमीन, और अरबों खरबों लोग इस जमीन पर, कोई इन अरबों खरबों में से एक भी मेरे साथ नहीं, एक भी मेरा अपना नहीं, मेरा अपना मेरे आस पास। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है?
हेलो रकल, जो तूने हमारी फूफो से हमारी बात करवाई है ना, सारा टाइम नोट कर लिया मैंने। उस हिसाब से 30 रुपए और 50 पैसा बने, किसी जगह मिलके अपने पैसे ले ले। क्या कहा तुमने, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ना मैं फारसी बोल रहा हूँ। तुम्हारी उर्दू भी फारसी से ज्यादा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कि तू अपने पैसे ले ले, जो तूने कल अपने मोबाइल के बैलेंस से हमारी फूफो से हमारी बात करवाई। अब बात समझ में आई? तो मैं क्यों लूंगी वो पैसे वापस? ना उधार लिया तो उधार देवांगा बिना। वो उधार नहीं था, मैंने सिर्फ कर्टेसी में किया था। ना काहे में बात करवाई थी? I don't need my money back. ओ अंग्रेजी की जनी, उर्दू में बात कर, उर्दू में। क्या मतलब अंग्रेजनी की जनी? तुम तमीज से बात नहीं कर सकते मेरे साथ? अगर नहीं कर सकते तो मत किया करो मुझे फोन। हाँ स्टूपिड। ओ ये सुसी तो गुस्सा भी करे। अंग्रेजनी की जनी, तमीज। अंग्रेजनी की जनी, so innocent. क्योंकि मेरी सहेली ने मुझे चैलेंज दे दिया है कि अगर मैं तुम्हारी सगी लगी हूँ ना, तो मैं ना अखबारों में तुम्हारी फिल्म का नाम आने से पहले ही उसे नाम बता दूंगी। ए, तू फोन बंद करके बात कर रही थी इतनी देर से? सुन लो नीरो बाजी, मेरा मूड बड़ा खराब है। लस्सा बंदी करने आई तो चली जाओ, 1 की 4 सुनोगी। तुम तो हमेशा 1 की 4 ही सुनाती हो। वो कोई लस्सा बंदी करने वाली बात नहीं करने आई, बल्कि एक बड़े काम की बात करने आई हूँ। तो कहो क्या काम की बात है, कट्टो कभी काम से मना नहीं करे। अरे भाई ऐसा वैसा काम नहीं है, वो ना जरा हुमायूं सही से एक बात पूछनी थी। उसको फोन तो कर। वो इस वक्त मसरूफ होते हैं, शूटिंग में बिजी होते हैं। 1000 मरतबा मना कर चुकी मुझे कि इस टाइम पे फोन ना किया करो। ओ हुमायूं सही ने तुझे मना कर दिया फोन करने से? ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि तेरा अफेयर जो है ना हुमायूं सईद की शादी चल रहा है। अच्छा ऐसे कैसे अचानक से यकीन आ गया? अभी दिन में जो कह रही थी उससे तो यही लग रहा था कि कव्वा सफेद हो सकता है, लेकिन तुम यकीन नहीं कर सकती कि मेरा और हुमायूं का कोई सीन हो सकता है। बंदा बशर से ही गलती होती है ना, और वो भी काम कर करके थक गया होगा, इसलिए दिमाग से उतरी हुई बात सोच सकता है। देखो फिर तुम यही कर रही हो, फिर तुम वही कर रही हो। अरे मैं तो तुझे खेल रही थी, वो तो मैं असल में हुमायूं सईद से तुझे फोन करवाने के लिए आई हूँ। किस खुशी में? अरे वो ना हुमायूं सईद की नई मूवी आने वाली है ना, तो उसका नाम पूछना था। हाँ तो अखबारों में आता होगा नाम, दे पढ़ लो वहीं से। अरे नहीं ना अखबारों में नहीं आया, गुप्त रखा है गुप्त। और मेरी लग गई किसी से शर्त कि अखबारों में नाम आने से पहले मैं तुम लोगों को फिल्म का नाम बताऊंगी। अच्छा ट्राई करती हूँ, लेकिन मसरूफ होंगे पता है, सीन करा रहे होंगे ना कोई। बेल तो जा रही मगर उठा नहीं रहे। हाँ हेलो हुमायूं। हाँ बट मुझे पता है तुम बिजी हो, मुझे पता है सीन करा रहे होंगे, लेकिन क्या करूँ ना, मुझे एक अर्जेंट काम पड़ गया है तुमसे। हाँ हाँ मुझे पता है तुम इस वक्त बिजी होते हो, मगर क्या करूँ ना, मुझे किसी को बताना है ना कुछ। नहीं नहीं नंबर नहीं दे रही मैं तुम्हारा किसी को। नहीं नहीं अरे ना मैं बात करवा रही हूँ, एक दोस्त आके बैठी हुई है। हाँ बात नहीं करवा रही, मेरी बात तो सुन लो। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी सहेली ने मुझे चैलेंज दे दिया है कि अगर मैं तुम्हारी सगी लगी हूँ ना, तो मैं ना अखबारों में तुम्हारी फिल्म का नाम आने से पहले ही उसे नाम बता दूंगी। ए, तू फोन बंद करके बात कर रही थी इतनी देर से? नहीं नीलू बाजी, उन्होंने बोला ना कि वो मसरूफ है, तो उन्होंने फोन रख दिया बिना खुदाफिस कहे, मुझे पता भी नहीं चला और मैं बातें करती चली गई। हाँ छुट्टी? कोई छुट्टी नहीं, कसम ले लो। देखो तुम्हारे सामने डायल कर दी, दोबारा से डायल देखो, सुन लो लाउड स्पीकर पर। देख लिया, सुन लिया, उन्होंने बिना खुदा हाफिज कहे फोन रख दिया है, नाराज हो गए होंगे वो। मगर एक बात तो बताओ, जब मैं फोन पर बात कर रही थी तो तुमने मेरा ही नंबर क्यों डायल किया? वो
मारे को फोन करके क्यों छेड़े जब तारे को मारी समझ ही ना आवे। मैंने असल में सॉरी बोलने के लिए फोन किया, आई मीन माजरत करने के लिए फोन किया था। मुझे ऑफिस में इंग्लिश में बात करनी पड़ती है ना, इसलिए जरा आदत सी हो गई है। चल ठीक है, मारे को ये बता कि सब तुमने अंग्रेजी में बोला क्या था। मैंने ये कहा था कि जो पैसे तुम्हारे बैलेंस पे खर्च हुए हैं मुझे वो वापस नहीं चाहिए। चल ठीक है, सुना ले बारे से पैसे, पर फिर भी तारे को मिलना तो पड़ेगा। अच्छा वो क्यों? मैं तोहफा जो लाया हूँ तारे लिए। हाउ स्वीट, मेरे लिए तोहफा, वो क्यों? ना जो तू फुफो से ना बात कराती मारी तो मारे को तो पता ही ना चलता कि मारा ठेला दुश्मनों के कब्जे में है। ठेला? किन दुश्मनों के कब्जे में? हमारा भाई जुगनू और उसकी जोर उतारा, 100 दुश्मनों के बराबर एक दुश्मन है वो। बुरी बात मंजिल है, रिश्तों से अदावत नहीं रखते। ना फिर बोली तूने अंग्रेजी, अतमल का होवे इस दावत का। ये इंग्लिश का नहीं उर्दू का लफ्ज है, इसका मतलब होता है कि किसी से दुश्मनी रखना, बुक्स रखना, कीना पालना गलत, और रिश्तेदारों के संग दुश्मनी नहीं रखते। जब वो रखांगे तो फिर हम भी तो रखांगे ना कीना। मंजिले, रिश्ते दौलत होते हैं, और इस बात का एहसास उन लोगों से पूछो जिनके पास ये दौलत नहीं होती। अब मैं कहाँ ढूंढता फिर वैसे लोग जिनके करने रिश्तेदार ही ना हो। मैं मंजिले, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी सिर्फ एक बहन है। अच्छा तुम ये सब बातें छोड़ो, मैं अभी बिजी हूँ, और मैं तुम्हें बाद में फोन करके तुमसे मिलने का वक्त तय कर लूंगी। मारे को टाइम बताना तू किस वक्त करेगी फोन, तो फोन खुला रखूं ना तो बैटरी खर्च होवे। फोन बंद रखने से नुकसान हो। तारी बात को मैं गलत साबित करूं, फोन खुला रखने से बैटरी खर्च होवे, फिर बार बार बिजली भरना पड़े, ये हुआ ना नुकसान। और फोन बंद रखने से कुछ भी ना खर्च होवे। जब फोन करना हो तो खोल लो और उसके बाद बंद कर दो। मंजिले, फोन खुला रखने से तुम्हें फायदा ही होगा। अब देखो जिसको तुमसे काम होगा वो तुम्हें फोन कर लेगा अगर तुम्हारा फोन खुला होगा, और जब अगर तुम्हारे पास बैलेंस नहीं होगा तो तुम उसको मिस कॉल कर देना और वो तुमको कॉल बैक कर देगा। इससे तुम्हें फायदा ही है ना। ना ये बात तो मारी अक्ल में घुसी नहीं कभी। चल ठीक है, अब तू तोहफा तो ले लेना। तुमने ये तकल्लुफ क्यों किया? खैर ये बताओ तोहफा है क्या? ना तोहफा पूछ के थोड़ी ना देते, ये तो चाणक देखने पे पता लगे कि तोहफा क्या है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले लूंगी तुमसे तोहफा, लेकिन मेरी एक शर्त। अब तुमने कड़ी शर्तें रखती है? हाँ, मामूली सी शर्त है, और वो ये है कि तुम्हें अपना फोन खुला रखना पड़ेगा हर वक्त। ओके चल ठीक है, सारे लिए रखूंगा। ओके पर खुदा हाफिज। पागल, चल अमरीन ऑफिस का जो बचा कुचा काम है वो ही कर ले। या अल्लाह, इस नीलोफर मनोज का कुछ कर, इतना हाथ धोकर मेरा भेद खोलने के पीछे पड़ गई है। लड़ना भी चाहती हूँ तो लड़ती नहीं है, हंसकर टाल देती है। अगर ये इसी तरीके से घर में आती जाती रही ना तो यकीनन मेरा भेद एक दिन खोल देगी। कुछ कर अल्लाह, इसको इस घर से निकाल दे, बल्कि इस महल से निकाल दे, ये दुनिया ही छोड़ दे ना। मैं फातिहा का जर्दा बांटूंगी अल्लाह मियाँ, बस चली जाए ये कहीं। मैं इधर क्या कर रही हूँ, मैं तो किचन में जाना था। सठिया गई हूँ मैं भी नीलोफर के चक्कर में, सालन बनाना है मुझे। बड़ा सुकून मिल रहा है मेरे को, इतना आराम आ गया है। शुक्र है तू आ गया भाई। आज जब तू चला गया ना, इनमें से किसी ने तो मेरे सिर को हाथ भी नहीं लगाया। जब तो मुझे याद आता था, जब तो बुलाने के लिए तुड़ी है तू। ये भी सही है, पर अब तो कहीं ना जाना। ये कमबख्ती मारो ने जैसे तेरा ठेला हथियार ना, उसी तरह इस घर में तेरा हिस्सा भी हथियार में गया। इनके बात करके देखे कूद दूंगा। और मैं ये सोचूं इधर रह के करूंगा का जो उधर करे था, वही इधर करना।
उधर तो समोसे पर कचौरियां बेचता था, सेठ ने सारा शेडअप लगा के दिया था, एक बंदा समोसे बनाने वाला था तो दूसरा कचौरियां बनाने वाला। अरे मुझे, मैं तो सिर्फ बेचू था और शाम को पैसे सेठ को दे देता था। और रहने का था? तो रहने का क्या मसला था, स्टेशन भी था और मस्जिद भी थी, कभी उधर सो जाता था कभी उधर, और एक दोस्त का घर भी था, कभी कभी उधर भी जाकर रुक जाता था। मसला तो रोजगार का हो गया ना, इधर क्या करूंगा? कचौरी बचेगा ना, और क्या करेगा? तू बना के देगी का? मारे को तो बनाने ना आवे, मारे को भी ना आवे। तू कम रेट पे ले लेना थोक के हिसाब से, और उधर ही ठेला लगा जहाँ जुगनू ने लगाया, वही बेच खड़ा होकर, जगह उसने बनाई, मजे तू ले। हाँ, तो ठीक है, मैं सोचूं के नहीं, जोर जोर से सोचना। कौन है? कमबख्त। हेलो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? कल से कोई 100 मरतबा फोन कर चुका हूं मैं तुम्हें। क्या मुसीबत है? आप बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? नाक में दम करके रखा है, बस तुमसे तो फालतू की बातें करा लो, यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, यहाँ मिल लो वहाँ मिल लो, अभी तक एक भी वादा तुमने पूरा किया है? एक भी रोल दिलाया मुझे? और कुछ? शद्दी, तुम इतनी ढीठ नस्ल से हो ना कि तुम्हें कुछ भी कह लो कुछ असर नहीं होता। अब मैं कुछ बोल सकता हूँ? कहो, मगर इसके बाद ना दोबारा कभी फोन नहीं करना। तुम्हारे लिए रोल निकाला है, 2 दिन से फोन कर रहा हूँ, अगर तुम फोन ही नहीं उठा रहे, अब मुझे बताओ कि कल शूटिंग? क्या? हाँ, फिलहाल तो तुम्हारे मैंने 25 सीन निकाले, लोकेशन का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ कंटिन्यूटी के साथ। और सुनो, आज इस फोन के बाद आंदा तुम्हें कभी फोन नहीं करूँगा। खुदा हाफिज। इसने कभी तो पहले ऐसे बात नहीं की। अरे ये तो लोकेशन आ गई है, कपड़ों का भी बोला हुआ है, कल शूट है, 4 कपड़े ले आना। क्या क्या मुझे वाकई में रोल मिल गया है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ, कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी, मैं तो जल्दी हीरोइन बनने वाली हूँ। शुक्र है। कौन कौन सी जोड़ी लेके जाऊंगी? हाँ, वो सफेद वाला, हाँ लाल वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जाने सारी खुदाई मैं तेरा। वो चाय और केक रस दे देना। अरे ये मनुज फिर आया हुआ है। ओ भाई, टीवी क्यों बंद कर दिया तूने? अरे इस आदमी से मुझे चिढ़ है, इसे देखकर मेरा खून खौलता है। अबे भाई हुमायूं सईद से तेरे को तकलीफ क्या है? ये मेरा घर तबाह करने पे तुला हुआ है, मेरा रकीब है ये। वो किस तरह? ये नहीं बता सकता, घर का मामला है। अरे भाई फिल्म चला है यार। जब तक इसकी फिल्म चलेगी टीवी मैं भी नहीं खोलूंगा, ये भी मेरी इज्जत है। ये निकालू तेरी मैं? आज कुछ भी हो, मैं मरने मनाने पे तुल जाऊंगा, ये मेरी इज्जत और गैरत का मामला है। अब लगता है तेरी इस दुकान का जो मालिक है ना, उसे तेरी शिकायत करनी पड़ेगी कि इस पागल के दिमाग का इलाज करा है। अरे जाओ बात करो जिससे मर्जी करो, जो भी मुझे मिलता है सोन पकौड़ा मिलता है। जा, एक ये सोन पकौड़ा है और एक उधर तोतला, वो सोन पकौड़ा है। कार्टून देख लूंगा लेकिन हुमायूं सईद तुझे नहीं देखूंगा, ये याद रखना, ना देखने दूंगा किसी को। और ला रहा हूँ चाय, ला रहा हूँ यार। दबाओ जुगनू। क्या बे? जोरू का कहना बाद में जाइयो, पहले हमारी बात सुन ले। अब तेरे मेरे बीच रह क्या गया? अब कुछ बात करने के लिए ठेला है, सारे मारे दरमियान ठेला रह गया, तो वो मारे को मारा ठेला चाहिए। क्या करेगा तू ठेले का?
उसको चिपस मड़ागा ना, कैचअप में डबो डबो के खाऊंगा लूमड़ का अकल। अबे लूमड़ी अकलमंद होती है, लूमड़ नहीं देहाती। इसलिए तो कह रहा हूँ तुझे लूमड़ का अकल, तारे को ये जो ना पता चल रहा कि मैं उसका क्या करूंगा। नहीं वैसे बता तो सही ना, तू क्या करेगा उसका? अरे छले के बिल्कुल सामने ना समोसा का चरण लगाकर तेरी छाती में मूंग धरूंगा। पप्पो ने सीख चढ़ा के भेज दिया मेरे पीछे। जिन्हें भी थी काम तो मैं यही करूंगा। अब तुम्हारे को ये बता, शराफत से ठहरा देगा या मोहल्ले के चंद इज्जतदार आदमी लेके आऊं? बस बस बस, ज्यादा दलालत दिखाने की जरूरत नहीं है, है? कयास भाई के पास चला जाइयो, उन्हीं से लिया था मैंने, उन्हीं को वापस करूंगा मैं, देहाती कहीं का। ए तारा, तारा कहां है भाई तू? तारा जा तारा के पास। मेरा फोन ना उठाने से ना ये सीधा हो गया जलेबी आदमी। चार सलावतें सुन के शुक्र है हैरत तो आई, मगर नाराज हो गया है, मनाना पड़ेगा बस। चलो फोन मिलाती हूँ। शुक्र है फोन तो किया, तो मैं भी नहीं उठाऊ, मेरी भी कोई इज्जत है। लीलो बेगम। ये लो, अब टेंशन दिखाएगा, मगर इस गधे को बाप तो बनाना ही पड़ेगा, फिर फोन करती। थाले अब ज्यादा नखरे भी नहीं दिखाने चाहिए, झिड़कूंगा तो हाथ से चिड़िया उड़ जाएगी। हाँ बोलो, अब क्या है? शदी, नाराज हो गए हो क्या? नहीं नहीं, ये बातें नाराज होने वाली थोड़ी थी, ये बातें तो मैंने रिकॉर्ड करके लोग विरसा के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेज दी है। क्या, कहाँ भेज दी है? जहाँ प्यार करने वालों की तारीख रिकॉर्ड है, ताकि ये आने वाली नस्लें ना इनको पता चल सके कि हीर रांझा से क्या कहा करती, लैला मजनू से क्या कहती, सस्सी पुन्नू से क्या बोलती थी, और नीलो शाहिद को कितनी गालियां देती। लो, मोहब्बत करने वालों की भी क्या लड़ाई, अभी लड़े और अभी मान गए। तो फिर तुम मुझे मनाओ ना, अभी सर्दियां आने वाली है ना, तो एक अच्छा सा स्वेटर बना के दूंगी तुम्हें, फिर तुम मान जाओगे देखना। लो स्वेटर तो बाजारों में मिल जाता है नीलो, सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। अच्छा ना, मुझे कल ना ये शूटिंग वगैरह करा के ना फ्री हो जाने दो, फिर मैं तुमको अपनी सच्ची मोहब्बत दिखाऊंगी। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। कल मेरी शूटिंग है। कितने अरमान लेकर हुमायूं के ऑफिस गई थी, वजीफा भी हुमायूं के दिल पर कोई असर नहीं कर रहा, मगर नहीं, मैंने वजीफा करते हुए चार हीरोज में से किसी एक को कहा था तो हुमायूं सामने आ गया। अब मैं दुआ ये कर रही हूँ कि हुमायूं सईद मेरा हो जाए, तो हुमायूं सईद मेरा हो गया। वजीफे ने तो अपना काम कर दिखाया, हुमायूं सईद मेरी ज़िंदगी में भी आ गया और मुझसे प्यार भी करने लगा। ये अलग बात है कि वो वाला हुमायूं सईद नहीं, छुरी चाकू की धार लगाने वाला हुमायूं सईद है, मगर हुमायूं सईद अब मैं ये दुआ करूंगी कि अदाकार हुमायूं सईद, और दुआ ही नहीं दवा भी करूंगी, यानी उसके ऑफिस बार बार जाऊंगी। मगर किस बहाने से जाऊं ये समझ नहीं आ रहा ना। आइडिया